Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard English lesson number 4, that is strawberries. So in this video we are going to see question answer only. Okay, if you want explanation you will get that one also. So just do comment in comment section if you want any explanation of any chapter of any subject. Okay, so I will explain question answer also here because many students they face many like problems in question answer. Kuch unko samajh bhi nahi aata, learn karne mein dikkat hoti hai. तो दैट्स वाई आई विल एक्सप्लेन दैट वन ऑल्सो. अभी जैसे ये पोएम है तो पोएम का ये पैराफ्रेज है. इफ़ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पोएम, सो यहाँ से बहुत ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, द पोएट सेज, पोएट कहते हैं कि दैट दो द स्ट्रॉबेरीज दैट ग्रो इन गार्डन्स आर बिग एंड जूसी एंड फाइन, वाइज मैन नो दैट दोज दैट ग्रो ऑन द वाइन्स इन द वुड्स आर स्वीटर. कि पोएट कहते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी गार्डन में उगती है वो बहुत बड़े होते हैं, जूसी होते हैं, फाइन होते हैं. तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको दैट दोज दैट ग्रो ऑन द वाइन्स, उनको वाइन मतलब कि उगाते हैं, ठीक है. लेकिन जो वाइन में होते हैं जैसे कि जो जंगल में होते हैं वो ज़्यादा स्वीटर होते हैं, क्योंकि जंगल में जो उग रहे हैं उसमें कोई भी आप देखो कि पेस्टिसाइड्स कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरली ग्रो होते हैं. तो वो ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा स्वीट होते हैं, ठीक है. सो देयर इज़ नो नीड फॉर अ बाउल और सिल्वर स्पून, यहाँ पे कोई भी बाउल और या सिल्वर स्पून की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है. ना तो शुगर की ज़रूरत होती है, ना स्पाइस की ज़रूरत होती है, ना क्रीम की. इफ़ वन ईट्स द वाइल्ड स्ट्रॉबेरी दैट हैज़ बीन प्लग्ड इन जून फ्रॉम नियर अ ट्रिकलिंग स्ट्रीम. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भी जैसे जो हमारे यहाँ पे जो हम स्ट्रॉबेरी लेके आते हैं खेतों से जो उगाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा स्पाइस डालेंगे, क्रीम डालेंगे, शुगर डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सावर रहता है. बट जो जंगल में होता है वहाँ पे इंसान जस्ट तोड़ा और प्लक किया, और जून के टाइम में, जून फ्रॉम नियर अ ट्रिकलिंग मतलब स्ट्रीम, ऐसी धाराएं बह रही हैं, स्ट्रीम यानी ऐसे पानी बह रहा है, वहाँ जंगल है, वहाँ पे से आपने अगर स्ट्रॉबेरी तोड़ी तो आप ऐसे ही उसे खा सकते हो. इतना मीठा होता है, इतना ज़्यादा स्वीट होता है. तो ये उस पोएम का मतलब है. प्लम्प मीन्स बिग और फैट, बड़ा और मोटा. स्प्रिंग फ्रॉम मतलब कम फ्रॉम और अराइज फ्रॉम, ठीक है. वाइन मीन्स क्लाइंबिंग और ट्रेलिंग प्लांट. वाइन क्या होता है, जो ऐसे 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 जाते हैं, जैसे जो ग्रेप्स होते हैं उसके भी जो झाड़ होते हैं उसको भी वाइन बोलते हैं, क्योंकि ऐसे टेढ़े मेढ़े यहाँ वहाँ जाते हैं और सब जगह फैल जाते हैं. स्पाइस मीन्स अ पार्ट ऑफ अ प्लांट और अ पाउडर. तो उसे ये स्पाइस क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट भी कह सकते हो, और वही क्या होता है, स्पाइस यानी पाउडर जो होता है मसाले, वो भी हो सकता है. मेड फ्रॉम दैट पार्ट विच यू पुट इन फूड टू गिव इट अ फ्लेवर, जो फ्लेवर डालने के लिए, फ्लेवर लाने के लिए ही तो हम स्पाइस यूज़ करते हैं. ट्रिकलिंग मीन्स फ्लोइंग स्लोली इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, मतलब एकदम स्लोली स्लोली फ्लो हो रहा है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम क्वांटिटी में. नेक्स्ट, विच आर द टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर स्ट्रॉबेरीज ग्रो. अब टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 में ये दिया है क्वेश्चन. सो स्ट्रॉबेरीज ग्रो इन गार्डन्स एंड ऑल्सो इन द वुड्स नियर स्ट्रीम्स. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, विच आर द टू डिफरेंट प्लेसेस, दो ऐसे प्लेसेस जो बताने हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉबेरीज ग्रो होते हैं. तो गार्डन में और जंगल में, नियर स्ट्रीम्स जो पानी बह रहा है उनके पास में. वॉट आर द डिफरेंट टू डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग स्ट्रॉबेरीज. तो एक तो हमने देखा कि स्ट्रॉबेरीज कैन बी ईटन यूजिंग अ बॉल, बॉल यानी कटोरा, एंड सिल्वर स्पून, स्पून ले सकते हैं. आफ्टर एडिंग शुगर स्पाइस और क्रीम टू इट, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. और दे कैन बी ईटन डायरेक्टली आफ्टर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द वाइन, वाइन से डायरेक्टली तोड़ा, डायरेक्टली खा गए. एक ये तरीका है. ओके, नेक्स्ट, विच स्ट्रॉबेरीज आर प्लम्प एंड जूसी. सो देखो, जो स्ट्रॉबेरीज गार्डन में उगाए गए हैं दे आर प्लम्प एंड जूसी. सो द स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन गार्डन्स आर प्लम्प एंड जूसी. विच स्ट्रॉबेरीज आर स्वीटर, द वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज ग्रोइंग इन द वुड्स आर स्वीटर. जो जंगल में, एक वुड का मतलब यहाँ पे लकड़ी नहीं, जो जंगलों में ग्रो हुए हैं वो ज़्यादा स्वीट हैं. पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. तो ग्रो नो, फाइन वाइन, स्पून जून, क्रीम स्ट्रीम,
ओके नेक्स्ट ओपन एंड क्वेश्चन देखते हैं. हाउ वुड यू लाइक टू ईट योर स्ट्रॉबेरीज, आपको कैसे पसंद आएगा. तो देखो यहाँ पे बच्चों को तो क्रीम शुगर डाल के ही अच्छा लगेगा. सो यू कैन राइट आई वुड लाइक टू ईट माई स्ट्रॉबेरीज विद लॉट्स ऑफ क्रीम एंड शुगर. हैव यू एवर ईटन एनी फ्रूट वेजिटेबल पिकिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम द ट्री और फील्ड. राइट अबाउट दैट एक्सपीरियंस इन 3 to 5 lines. येस आई ऑल्सो हैव डन. सो अगर आपने कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट डायरेक्ट ट्री से तोड़ा और खा लिया तो उसका आपको एक्सपीरियंस बताना है. आई हैव ईटन चीकूज एंड गुआवास. ये तो कॉमन है एकदम, गुआवा ठीक है, इवन मैंगो भी. सो आई हैव ईटन चीकूज एंड गुआवास आफ्टर प्लकिंग देम स्ट्रेट फ्रॉम द ट्री. माई ग्रैंड फादर हैज़ अ हाउस इन गोवा एंड इन द गार्डन देर आर मेनी फ्रूट ट्रीज. अब आप यहाँ पे गोवा की जगह पे कुछ और लिख सकते हो, जो आपका विलेज है, जो आपका प्लेस है. ओके तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ ये पूरा पूरा सेम हो जाएगा आंसर ना. तो सब लोग ऐसे लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कॉपी है, खुद से लिखने हैं ये आंसर. गोवा एंड इन द गार्डन देर आर मेनी फ्रूट ट्रीज. इट इज़ फ्रॉम दीज ट्रीज दैट आई हैव ईटन गुआवास एंड चीकूज. सो यहाँ से इन पेड़ों से मैंने क्या खाया, गुआवास एंड चीकूज. When eaten fresh like this, the fruits are very juicy and taste very nice. Because these fruits are natural, na? You plucked from trees directly. So that's why it's very sweet. और अगर तोड़ के फिर उसे पकाते हैं, कुछ टाइम प्रोसेस में रखते हैं पकाने के लिए, उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, सारी चीज़ें, बहुत टाइम का हो गया, सूख गया अंदर ही अंदर, नेचुरली जो थे उसके काफ़ी जो स्मेल होती है वो चली जाती है, ठीक है. तो ये सारी होती हैं प्रॉब्लम्स. अभी नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन एंड वेयर डू वी गेट स्ट्रॉबेरीज इन महाराष्ट्र, कहाँ से हमें मिलता है स्ट्रॉबेरीज महाराष्ट्र में. सो द मेन सेंटर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ स्ट्रॉबेरीज इन महाराष्ट्र आर अराउंड महाबलेश्वर. महाबलेश्वर में ज़्यादा उगाया जाता है. इन रिसेंट ईयर मतलब कुछ सालों में स्ट्रॉबेरीज आर बींग कल्टिवेटेड सक्सेसफुली इन द प्लेन्स ऑफ महाराष्ट्र अराउंड पुणे नाशिक एंड सांगली टाउन्स. मतलब इन जगहों पर भी अच्छे से उगाया गया. द फ्रूट राइपन्स ड्यूरिंग मे एंड जून. मे जून में ये क्या होता है, पकता है एंड इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एट दिस टाइम. और इसी टाइम में मार्केट में अवेलेबल भी होता है. अभी आपने देखा होगा मई जून के टाइम में, इवन जुलाई के टाइम में भी काफ़ी मिल रहा था, है ना, पूरा स्ट्रॉबेरीज ही स्ट्रॉबेरीज. अब यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल अवेलेबिलिटी. अब जैसे यहाँ पे मैंगो दिया है तो अप्रैल टू जून में मिलेगा. अब अगर यहाँ पे आप लिखे हो, अगर स्ट्रॉबेरी लिखते हो तो स्ट्रॉबेरी यहाँ पे लिख दोगे और क्या लिखोगे, मई एंड जून. एक लिख लो मैंगो, तो मैंगो कब मिलता है, तो वो भी मई जून में, अप्रैल मई जून में मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो लिख सकते हो अप्रैल मई जून. ओके गुआवा लिख रहे हो तो गुआवा आप लिख सकते हो कि अभी सितंबर चल रहा है, अब अभी से मिलने लगा, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर इवन दिसंबर में भी मिलता है, ठीक है, ठंडी के टाइम में आता है, तो वो भी आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ द 12 months. ओके तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके.